प्यारे बच्चों, इससे पिछले लेक्चर्स में हम रिलेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हम जो यूनिट पढ़ रहे हैं इसमें रिलेशंस, फंक्शंस और बाइनरी ऑपरेशंस शामिल हैं। अब हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि फंक्शंस को हम 11th क्लास से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो मैं एक बार 11th क्लास से ही जो हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा था उसी को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ूंगा। सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि फंक्शंस होते क्या है। फंक्शंस रिलेशंस का ही एक स्पेशल टाइप है। जैसे रिलेशंस में दो सेट के एलिमेंट्स को एक दूसरे से रिलेट किया जाता है, उसी प्रकार से फंक्शंस में भी दो सेट के एलिमेंट को आपस में रिलेट करा जाता है, लेकिन उसमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाता है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर मैं दो सेट्स लेता हूं ए और बी। अगर मान लो ए सेट में कुछ एलिमेंट्स मैं लूं A1, A2, A3 और सेट बी में कुछ एलिमेंट्स में ले लेता हूं B1, B2, B3, B4 इस तरीके से। अगर हम एक ऐसा रिलेशन डिफाइन करें जो सेट ए के हर एलिमेंट को सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ में रिलेट करे, और इस तरीके से करे कि सेट ए में कोई भी एलिमेंट ऐसा ना बचे जिसकी रिलेशनशिप सेट बी के किसी भी एलिमेंट के साथ ना हो। दूसरी बात, ये रिलेशनशिप इस प्रकार से होनी चाहिए कि सेट ए के किसी भी एलिमेंट की रिलेशनशिप सेट बी के दो या इससे ज्यादा एलिमेंट्स के साथ नहीं। अगर रिलेशनशिप इस तरीके से होगी, इस तरीके का रिलेशन डिफाइन करा जाएगा, तो इस रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे। फंक्शन भी और भी कई नाम, फंक्शन को ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाता है, फंक्शन को मैपिंग भी कहा जाता है। आमतौर पर किसी फंक्शन को हम सिंबलिकली इस प्रकार F से लिखते हैं। आप F का जो ध्यान रखें, F इसी प्रकार से लिखें, क्योंकि सिंबल का काम करता है। अगर मैं कभी कहूं कि फंक्शन F सेट A से सेट B में डिफाइन है, तो इस सब बातों को मैं इस तरह से लिखता हूं कि फंक्शन एफ इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब मैं जरा डेफिनेशन की बात कर लूं कि डेफिनेशन क्या है। ए फंक्शन एफ इज ए रूल या रिलेशन विच एसोसिएट्स, ए फंक्शन एफ is a rule which associates every element of set A to some element of set B in a unique way when it is defined from set A to set B। इसको हम यहां भी लिख सकते थे कि function f from set A to set B is a rule which associates every element of set A to some element of set B। यानी कि function एक rule है जो set A के हर element को सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ में जोड़ देता है या उसको रिलेट कर देता है। जब फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं सेट ए से सेट बी में, तो हम कहते हैं कि ए इज डोमेन ऑफ फंक्शन। ए डोमेन है, सेट ए को कहा जाता है डोमेन। सेट बी इज को डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये सेट बी जो होगा
वो कोडोमेन कहलाएगा फंक्शन का। तो जैसे अगर मैं यहां पर इसके बारे में बात करूं कि अगर मान लो सेट ए से ए वन का रिलेशन बी वन से है, ए थ्री का बी फोर से है, ए टू का बी थ्री से है रिलेशनशिप, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ जो है यहां पर सेट है ए वन ए टू और ए थ्री एलिमेंट का, कोडोमेन में बी वन बी टू बी थ्री और बी फोर ये चार एलिमेंट्स आएंगे। और उसके बाद बारी आती है रेंज, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी which are related to elements of set D is called range of F. Set B के वो सारे element जो set A के किसी ना किसी element से related है, उन सब का कलेक्शन, उन सब का सेट कहलाता है रेंज। अगर मैं रेंज की बात करूं यहां पर, रेंज ऑफ एफ की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो रेंज ऑफ एफ यहां पर बी वन बी थ्री और बी फोर इन तीन एलिमेंट्स का सेट है। और रेंज ऑफ एफ जो है वो हमेशा ही कोडोमेन का सबसेट होता है। अगर A1 को मैं B1 से रिलेट करता हूं तो हम ये कहते हैं कि फंक्शन F के अंदर में एलिमेंट A1 की इमेज B1 है। इस बात को हम इस तरह से लिख देते हैं कि FA1 equal to B1 या FA2 equal to B3, यानी इसको हम इस तरह से कहते हैं कि फंक्शन F के अंदर में एलिमेंट A2 की इमेज B3 है। अगर B4 A3 से जुड़ा हुआ है तो हम कहते हैं कि B4 की प्री इमेज A3 है। इस बात को हम ऐसे भी लिख देते हैं कि F इनवर्स B4 इज A3, यानी इसको हम कहेंगे कि B4 की प्री इमेज A3 है। तो ये डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में हमने पढ़ा। अब किसी फंक्शन को लिखते कैसे, फंक्शन को लिखते समय आम तौर से हम दो प्रकार से लिखते हैं, या तो फंक्शन का जो भी रूल होता है वो फंक्शन के साथ लिख दिया जाता है। जैसे कि फंक्शन का रूल है fx का कि fx इक्वल टू x स्क्वायर, फिर उसके बारे में बता भी दिया जाता है कि फंक्शन किस सेट से किस सेट पर डिफाइन है। मान लो हमने कहा कि फंक्शन सेट ए से सेट बी में डिफाइन है और एफएक्स का रूल आप समझ लें कि एक्स स्क्वायर है, यानी कि जो एक्स लिया जाएगा एलिमेंट वो सेट ए से लिया जाएगा और एक्स स्क्वायर सेट बी में से लिया जाएगा। दूसरा एक तरीका होता है जब हमारे पास कोई फाइनाइट सेट डोमेन के फॉर्म में दिया जाता है किसी फंक्शन का, और जहां इजीली एक एक एलिमेंट को लिखना संभव हो, तो ऑर्डर्ड पेयर जिस तरह से हम रिलेशन में लिखते हैं उसी प्रकार से ऑर्डर्ड पेयर के सेट को कलेक्ट करके रिलेशन की तरह लिख दिया जाता है। तो ये भी एक तरीका काम में लिया जाता है, लेकिन ये तभी संभव है जब हम जो सेट इस्तेमाल कर रहे हैं वो छोटे सेट हो, फाइनाइट सेट हो। इनफाइनाइट सेट के लिए हम किसी ना किसी रूल का सहारा लेते हैं। अब यहां पर हम चर्चा करना चाहेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस की, क्योंकि हमारे ज्यादातर क्वेश्चंस इन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पर ही बेस्ड हैं, तो हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस की बात करेंगे, विशेष तौर से वन वन, मैनी वन, इन टू और ऑन टू फंक्शन से रिलेटेड जो हमारे फंक्शंस हैं उनकी बात करेंगे। पहले मैं बात करना चाहूंगा कि वन वन फंक्शन किसे कहते हैं। वन वन, अगर कोई फंक्शन इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि
डोमेन में जितने एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट की इमेज अलग अलग हो, तो इस तरह के फंक्शन को वन वन फंक्शन कहते हैं। जैसे हम यहां देख रहे हैं फंक्शन f के अंडर में जो a1 की इमेज है वो v1 है, a2 की v3 है, a3 की v4 है। तो ये फंक्शन वन वन फंक्शन है क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट a हैव अ डिफरेंट इमेज। तो वन वन फंक्शन की पहचान हुई कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन has different image, सभी एलिमेंट्स की इमेज अलग अलग होनी चाहिए। तो इस तरीके के जितने भी फंक्शन होंगे उन्हें हम वन वन फंक्शन कहेंगे। अब इसी का अपोजिट आप समझ सकते हैं मैनी वन फंक्शन। फंक्शन तो होना जरूरी ही है तभी हम उसके कैटेगराइजेशन की बात करते हैं। तो यहां मैं फिर उसी प्रकार से कुछ एलिमेंट्स लेता हूं इन दोनों सेट्स में। अगर दो या दो से अधिक एलिमेंट ऐसे मिल जाए सेट ए के जिनकी इमेज सेम हो, इस तरीके के फंक्शन को हम कह सकते हैं मैनी वन फंक्शन। जैसे अगर ए वन की इमेज बी टू हो और A2 की भी इमेज B2 हो जाए, A3 की B4 हो जाए, तो हमने देखा कि दो एलिमेंट ऐसे हैं कम से कम जिनकी इमेज सेम है। हालांकि आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन की डेफिनेशन को पूरा कर रहा है, तो ये फंक्शन कहलाते हैं मैनी वन फंक्शन। अगर हर एलिमेंट की इमेज डिफरेंट हो तो वो वन वन है, अगर दो एलिमेंट या उससे ज्यादा अगर हमें मिल जाते हैं जिनकी इमेज सेम है तो इस प्रकार के फंक्शन को हम कहते हैं मैनी वन फंक्शन। दूसरा जो इनका वर्गीकरण होता है फंक्शंस का वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स के आधार पर। इन्हें कहते हैं इनटू और ऑनटू फंक्शंस। जैसे पहले मैं इनटू फंक्शन की बात करूं, इनटू फंक्शन एक ऐसे फंक्शन को कहेंगे कि अगर कोडोमेन में एक भी एलिमेंट ऐसा बच जाए, क्योंकि फंक्शन अगर डिफाइन करना है हमें तो सेट ए में तो कोई भी एलिमेंट अनरिलेटेड हो नहीं सकता, लेकिन सेट बी में दोनों संभावनाएं हैं। हो सकता है यहां सारे एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेटेड हो, या हो सकता है कोई एलिमेंट ऐसा छूट भी जाए जिसका सेट ए में कहीं पर रिलेशनशिप ना हो। तो अगर एक भी एलिमेंट सेट बी में ऐसा बच गया जो कि अनरिलेटेड रह गया, तो इस तरीके के फंक्शन को हम कहते हैं इनटू फंक्शन। इस तरीके के फंक्शन को इनटू फंक्शन इसलिए कह रहे हैं कि यहां पर बी टू जो एलिमेंट है उसकी कोई प्री इमेज नहीं है। यानी कि अगर हम थियोरेटिकली बात करें तो अगर सेट बी में एक एलिमेंट भी ऐसा बच गया जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो इस तरीके के फंक्शन को हम इनटू फंक्शन बोलेंगे। अब दूसरा जो फंक्शन है उसे हम कहते हैं ऑनटू फंक्शन। अगर सेट बी में एक भी एलिमेंट ऐसा ना बचे जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, जैसे हम इसकी बात करें, या एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, जैसे सेट बी में दो ही एलिमेंट है और दोनों की प्री इमेज मौजूद है, इस तरीके के फंक्शन को ऑनटू फंक्शन कहते हैं। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कोई भी फंक्शन अकेला ना तो वन वन ही हो सकता है, ना मैनी वन ही हो सकता है, ना इनटू या ऑनटू होगा, क्योंकि कोई भी फंक्शन अगर वन वन होगा तो उसके साथ में या तो इनटू होगा या ऑनटू होगा। इसी तरह से जो फंक्शन मैनी वन होगा तो उसके साथ या तो वो इनटू फंक्शन होगा या ऑनटू फंक्शन होगा। तो बेसिकली हम चार प्रकार के फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। पहला है मैनी वन और इनटू फंक्शन। तो ऐसा फंक्शन जिसमें दोनों प्रकार के गुण हो, जो मैनी वन भी हो और इनटू भी। यानी कि सेट ए में कुछ एलिमेंट ऐसे होने चाहिए जिनमें दो एलिमेंट की इमेज सेम हो
और सेट बी में कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा बच जाना चाहिए जो अनपेयर्ड रह जाए, अनरिलेटेड रह जाए। दूसरा है मैनी वन ऑन टू फंक्शन, मैनी वन ऑन टू फंक्शन, जो मैनी वन भी हो और ऑन टू भी हो। जैसे हम इस फंक्शन की बात कर रहे हैं, जो ये फिगर हमने बनाया हुआ है ये मैनी वन भी है और ऑन टू भी है। अगर मैं यहां पर एक एलिमेंट और बढ़ा देता तो फिलहाल बनता मैनी वन इन टू फंक्शन। इसी प्रकार से अगर हम वन वन के साथ बात करें तो वन वन भी हो और इन टू भी हो, वन वन इन टू फंक्शन कहेंगे उसको। जैसे इस फिगर को हम देख रहे हैं, ये फंक्शन ऐसा है जो वन वन भी है और इन टू फंक्शन भी है। जो हमारे सबसे ज्यादा काम में आएगा वो फंक्शन है वन वन ऑन टू फंक्शन, वन वन ऑन टू फंक्शन। ये हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फंक्शन है क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इसे से संबंधित पूछे जाते हैं हमसे। तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है, जो फंक्शन वन वन भी हो और जो फंक्शन ऑन टू भी हो। जैसे अगर मैं यहां से B2 को हटा दूं तो अब तीन एलिमेंट इधर है, तीन एलिमेंट इधर है, तो ये फंक्शन जो है वन वन ऑन टू फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। कुछ अल्टरनेटिव नेम्स भी है वन वन फंक्शन को, वन वन जो फंक्शन है उसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है या इंजेक्शन भी कहा जाता है। इसी प्रकार से जो ऑन टू फंक्शन होता है उसका एक और नाम है, इसको सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं या सर्जेक्शन भी कहते हैं। और जो वन वन और ऑन टू दोनों हो, यानी जो इंजेक्शन भी हो और सर्जेक्शन भी हो, तो उसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन या बाइजेक्शन भी कहते हैं। तो बाइजेक्टिव जो फंक्शन है या बाइजेक्शन फंक्शन है, केवल वही फंक्शन ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनके इनवर्स फंक्शंस भी डिफाइन किए जा सकते हैं, क्योंकि ये इनकी डेफिनेशन से ही क्लियर हो जाता है कि बाकी और किसी केस में इनवर्स यानी उसका उल्टा फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकते। ये अलग ही बातें हमने 11th में पढ़ ली थी, केवल आप लोगों को याद दिलाने के लिए हमने इसको रिवाइज करा है। अगले लेक्चर से हम जो हमारे 12th क्लास का सिलेबस है उसको कवर करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 में वो क्वेश्चंस आएंगे जहां पर हम फंक्शंस को वन वन इन टू या मैनी वन ऑन टू इन कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। तब तक के लिए आप इन 11th क्लास के फंक्शंस को, टाइप्स ऑफ फंक्शंस को, क्योंकि बहुत सारे टाइप्स हमने पढ़े थे, अपनी बुक्स में भी बहुत सारे टाइप्स फंक्शन के दिए गए हैं, आप उनके डोमेन, उनके रेंज, उनके ग्राफ्स को समझने की कोशिश करें। हम भी कोशिश करेंगे किसी एक लेक्चर में जो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हैं उनको डिस्कस करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।